हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बलाज और आप देख रहे हैं बलाज यूनिवर्स। पिछले सीन में हमने देखा था कि नागेश्वर अन्या के फैमिली पर हमला कर देता है और बाद में पता चलता है कि वो घर में नहीं होते। हमला कर तो देता है लेकिन वो घर में नहीं होते। दूसरी बात ये, उसके बाद जो सीन आया उसमें कोई लॉजिक था नहीं, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि सलमान खान अपने भाइयों को बता देता है कि हम आपस में सगे नहीं हैं। तो बिना किसी देरी के अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 40। ठीक है, 13 पार्ट में कर चुका हूँ कि किसी का भाई किसी की जान मूवी फुल रिएक्ट कर रहा हूँ और जो जो सीन देख रहा हूँ उसी पे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझ नहीं आई और ये चीज़ अच्छी है, हवा में तीर नहीं चला रहा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खुश नसीब तुमने मैं हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। वफा करो तो वफादारों के साथ, गद्दारों के साथ कभी नहीं। और ये साला गद्दार है, इस कमीने को छोड़ दो। गद्दार ये कुत्ता, उनके साथ रहते हुए इसको
अगर नागेश्वर को नहीं बदल सकती तो मेरे बेटे को बदल दे, मेरे बेटे को बदल दे, मेरे बेटे को बदल दे। अन्नैया है वहां पर, अन्नैया ही राउडी अन्ना है। अम्मा ये राउडी अन्ना कौन है? मेरा बाला ही राउडी अन्ना है। बहुत साल पहले कुछ गुंडों से लड़ते वक्त भाग्या पे हमला हुआ। अपने बहन की हालत देखकर एक भाई ने हमेशा के लिए फैसला ले लिया। उसने बहन के लिए हथियार छोड़ा था, अब उसी के लिए हथियार उठाएगा। सिर्फ नुकसान ही नुकसान। दुश्मनी तेरी इनके साथ और मारने तू मुझे चला। नागेश्वर आज तूने मेरे पाप की याद दिला दी। आजकल बड़ा कॉमन सा फैशन चल रहा है, सारी उम्र गलत काम
मरने से ढाई दिन पहले गुड डील्स क्यों किसे इम्प्रेस करना है वहां हमारी कोई जगह नहीं यू सेड करेक्टली राउडी बनने से नुकसान ही नुकसान है मैं एक संत का बेटा हूँ मेरे वजह से वो मर गया मेरे दोनों भाई भी मर गए अब तू नहीं मैं नाक रगड़ चलो एक चैप्टर तो खत्म दूसरा आप खत्म करते हैं जो कहता है कि मैं इन लोगों का साथ नहीं देना जो ये कह रहा था कि ईमानदारी का साथ देना वफादारी उसी के साथ करो जो वफादार हो तो आप लोगों ने देखा कि वफादारी तो उसने कहीं से की नहीं इन लोगों के साथ तो मौत तो पक्की थी तो उसके ये डायलॉग का कोई लॉजिक बनता ही नहीं दूसरा सबसे मेन चीज जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे शक है कि राउड़ी अन्ना यही होगा इसी का भाई तो वो आप लोगों ने देखा वो बात बिल्कुल मेरी सच निकली है फिर तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है ये जब कहता है कि मेरा एक तो ये खत्म हो गया क्या कहते हैं इसका एक चैप्टर तो क्लोज हो गया अब सेकंड चैप्टर तो ये जो इसका अन्याय है ये बोलता है तुम निपटो ये कौन सा लॉजिक है अबे भाई वो तुम्हारे लिए आया तुम्हारे लिए वो नागेश्वर से भिड़ा अपने भाइयों को लड़वा रहा है सब कुछ कर रहा है और जब उसकी बारी है तो तुम कह के जा रहे हो तुम्हारा काम है मैं तो चला सिर्फ डायलॉग मारने से नहीं होता इंसानियत में है बड़ा दम बंदे मातरम सलमान खान ने तो ये डायलॉग पे थोड़ा बहुत चलो अमल कर भी लिया लेकिन यह नाया ने क्या किया ये मुझे समझ नहीं आया गाइस तो इसी के साथ होती है वीडियो खत्म मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और जो गलतियां थी वो भी मैंने आपको बता दी हाँ एक और गलती थी इसमें जो वो ये थी कि आपने देखा होगा जब उसको पता चलता है कि रावड़ी अन्ना यही है तो उनके हाथ में एक छुरा होता है देखना आप लोग लेकिन जब बंदे मारने के लिए आते हैं तो क्या में दो आया था कैसे उन्होंने तो किसी बंदे को मारे ही नहीं ना कहीं से चाकू उठाया एक था लेकिन जब उनकी तरफ कैमरा दोबारा आता है तो वो दो हो जाता तो गाइस ये सारी चीजें आप देखना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़